हेलो दोस्तों, एजुकेशन बोर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टॉलरेंस के बारे में। ठीक है, टॉलरेंस क्या होता है? तो उसके लिए हम लोग एक डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, आई नो डेफिनेशन बहुत ही बोरिंग होती है, आपको बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है, टॉलरेंस मतलब हुआ इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट और द मैक्सिमम लिमिट और द लोअर लिमिट और द मिनिमम लिमिट। राइट, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या लेता हूँ, एक ब्लॉक ले लेता हूँ और मुझे इसके अंदर कुछ डायमेंशन को क्रिएट करना है, डायमेंशन बनाना है। राइट, मतलब इसकी लेंथ और डायमीटर मुझे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर लेंथ और डायमीटर ले लिया है, 50 का लेंथ है और डायमीटर जो है वो 15 का डायमीटर है। ठीक है, अब मुझे अगर 50 का लेंथ बनाना है और 15 का अगर डायमीटर क्रिएट करना है तो मैं कभी भी एक्चुअल डायमेंशन नहीं बना सकता, या तो वो कुछ ज्यादा होगा या तो वो कुछ कम होगा। राइट, तो दैट्स व्हाई हम लोग इसके अंदर टॉलरेंस प्रोवाइड कराते हैं। राइट, ठीक है, तो हमेशा कोई भी डायमेंशन रहेगा वो टॉलरेंस में बनेगा। यहाँ पर मैंने दोनों डायमेंशन के लिए सेम टॉलरेंस लिया है, विच इज प्लस माइनस 0.1। ओके, ठीक है, समझ में नहीं। नहीं आया हूँ? चल, कटिंग को समझते हैं, मेटल कटिंग को समझेंगे बाय द बीएमसी मशीन। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखा रहा हूँ जो शो कर रहा है कि किस तरह से किसी टूल के द्वारा किसी मेटल को काटा जाता है इन बीएमसी सीएनसी मशीन। राइट, ओके, तो यहाँ पर बीएमसी मशीन का एक एग्जाम्पल है। मैंने लिया है एक ब्लॉक, मेटल ब्लॉक। ओके, और इसको टूल से हम लोग कट कर रहे हैं। ठीक है, जब टूल से इसको कटिंग कर रहा हूँ तो बेसिकली यहाँ पर एक कटिंग टूल है और एक मेटल ब्लॉक है। ठीक है, तो कटिंग टूल इस तरह से कुछ ऑपरेशन करेगा ऑन कटिंग एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो कटिंग एरिया है। ओके, तो इस कटिंग एरिया को काटने के लिए इस तरह से मूव करने वाले हैं। राइट, तो मेटल ब्लॉक का अगर मैं बात करूं कि भाई जो कटिंग एरिया है उसका एक्चुअल साइज मुझे चाहिए वो है 50 mm का लीनियर डायमेंशन। ठीक है, क्या मैं 50 mm का लीनियर डायमेंशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, या 50 mm मुझे एग्जैक्ट मिल सकता है? एग्जैक्ट इन द सेंस, यहाँ पर मुझे जो डायमेंशन चाहिए ना वो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मैं 50 mm करेक्ट बना सकूं। ठीक है, 50 mm मतलब हुआ 50.00000, इट्स इट पॉसिबल? कभी भी नहीं। राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 50 mm का डायमेंशन आपको एक्चुअल नहीं मिलेगा, या तो वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा 50 mm से, या तो वो थोड़ा सा कम रहेगा। कितना ज्यादा रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, वो मेटल ब्लॉक का जो कट एरिया है वो है 50.1 mm, कटने के बाद आपको ये मिलता है फॉर एग्जाम्पल। राइट, तो ये है पॉजिटिव। राइट, इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि भाई 49.1 भी आपको मिल सकता है, तो बेसिकली जो आपको मिल सकता है बाय द मशीन उसको ही हम लोग बोलेंगे टॉलरेंस। एग्जाम्पल के लिए टॉलरेंस इक्वल टू क्या हुआ, मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। राइट, तो यहां पर अगर मैं देखूं टॉलरेंस इक्वल टू क्या हुआ, 50 - 1 विच इज द मैक्सिमम लिमिट, और 49 - 9 इट इज लोअर लिमिट। राइट, ओके, तो जब सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 0.2, और 0.2 इज नथिंग बट इट इज द टॉलरेंस, इट इज द लिमिट। ओके, यहाँ पर 0.2 mm जो रहेगा या फिर टॉलरेंस जो रहेगा ना, ये लिमिट जो रहेगी वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहेगी। राइट, ओके, आई होप समझ पाया आई आपको। अंडरस्टैंड। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो टाइप ऑफ टॉलरेंस के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, टाइप ऑफ टॉलरेंस कितने होते हैं ये क्या आपको पता है इसके बारे में? इट्स ओके, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से टॉलरेंस होते हैं, कितने टाइप्स के टॉलरेंस होते हैं। राइट, देखो जनरली हमारे पास यूनिलेटरल टॉलरेंस, इक्वल बाइलेटरल टॉलरेंस और अनइक्वल बाइलेटरल टॉलरेंस होते हैं। राइट, एक एक को समझते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है। देखो, यूनिलेटरल टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब हुआ कि भाई एक ही दिशा में टॉलरेंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास नॉमिनल साइज है। ठीक है, ये मेरे पास एक नॉमिनल साइज है। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना है भाई, 50 का डायमेंशन है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ भाई एक ही डायरेक्शन में इसका टॉलरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डायमेंशन अभी टॉलरेंस लिया है पॉजिटिव में, है ना, तो +0.1 - 0.0। राइट, इट मीन्स ये जो टॉलरेंस है ये है पॉजिटिव टॉलरेंस। ओके, उसी तरह से मैंने सेम 50 का डायमेंशन लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव डायरेक्शन में रहे। राइट, तो यहां पर मैं टॉलरेंस दूंगा +0.0 और माइनस में 0.1। इट मीन्स ये जो टॉलरेंस हुआ ये है नेगेटिव डायरेक्शन में। राइट, ओके, तो दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल टॉलरेंस। ठीक है, इसी तरह से इक्वल बाइलेटरल टॉलरेंस, यहाँ पर बाइलेटरल शब्द से हम लोग समझते हैं दोनों ओर। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ किसी भी डायमेंशन की, तो जो भी नॉमिनल साइज है मेरे ब्लॉक का, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मेरा नॉमिनल साइज जो है ब्लॉक का वो है फॉर एग्जाम्पल 50 ± 0.1, तो यहाँ पर ±0.1 जो है वो है बाइलेटरल टॉलरेंस, मतलब प्लस में भी उतना ही है और माइनस में भी उतना ही है। राइट,
ठीक है, तो इसको बोलेंगे इक्वल बायलेटरल टॉलरेंस। इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टॉलरेंस आपको मिलेंगे, राइट। लेकिन दोनों जो टॉलरेंस है वो सेम है, राइट। ओके, इसी तरह से अनइक्वल बायलेटरल टॉलरेंस, यहां पर भी शब्द आ रहा है बायलेटरल, मतलब दोनों तरफ, ठीक है, लेकिन ये अनइक्वल है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। यहां पर मैं नॉर्मल साइज अगेन लेता हूं, मैं 50 का डायमेंशन मैंने लिया है, प्लस में 0.1 है लेकिन माइनस में 0.15 है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है यहाँ पर हमारे पास टॉलरेंस, लेकिन दोनों क्या है, सेम में है, राइट। तो इसको बोलेंगे अनइक्वल बायलेटरल टॉलरेंस। ओके, चलो, आई डोंट समझ में नहीं आया, अंडरस्टैंड, अगेन आई डोंट उसमें आपको एग्जाम्पल अंडरस्टैंड। दे सकता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। चलो, तो हमारे पास असेंबली का एक पार्ट है, ठीक है, तो इस असेंबली का जो ये ब्लू वाला पार्ट है ना, मैं इस पार्ट को आपको शो करता हूँ, सिर्फ ये ब्लू वाला पार्ट। ओके, देखो जरा, तो इसको मैं डायमेंशन देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सेंटर लाइन प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस ड्रॉइंग में, इस पार्ट की ड्रॉइंग में मैं अधिकतर डायमेंशन जो टॉलरेंस है वो मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा फिटमेंट पर्पज से, तो यहाँ पर आपको डायमेंशन दिख रहे हैं 150, ठीक है, 60 एंड 50 mm। ओके, तो यहाँ पर बात करूं भाई, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने टॉलरेंस प्रोवाइड कराया, क्योंकि बेसिकली इस कंपोनेंट की मुझे फिटिंग करना है किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, जो कि दोनों तरफ से होगी। तो सबसे पहले मैं एक डायमेंशन की बात करता हूँ, विच इज द 150, ठीक है। 150 का डायमेंशन जो दिख रहा है वो प्लस माइनस 0.1 है, मतलब इसका लीनियर लेंथ से आपको ज्यादा मतलब नहीं है, राइट, मतलब प्लस में भी 0.1 हो सकता है, माइनस में भी 0.1 हो सकता है, राइट। सेकेंड जो डायमेंशन है वो है 60 का, देखो प्लस में 0.0 है लेकिन माइनस में 0.1 है, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये मेल पोर्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये किसी फीमेल पोर्शन में क्या होने वाला है, फिट होने वाला है, राइट। उसी तरह से 60 का एक और डायमेंशन आपको दिख रहा है, ठीक है, प्लस माइनस, अगर प्लस में देखोगे 0.1 और माइनस में 0.0, इट मींस ये फीमेल पोर्शन है, इसके अंदर कोई मेल पोर्शन आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, राइट। उसी तरह से थर्ड डायमेंशन जो है डायमेट्रिकल डायमेंशन है, मैं डायमेट्रिकल का मैंने साइन नहीं दिखाया है, लेकिन आप समझ जाओ कि डायमेट्रिकल डायमेंशन है, ठीक है। प्लस 0.025 पॉजिटिव है, नेगेटिव में 0.05, इट मींस इसके अंदर कोई पिन आने वाली है, राइट, इसके अंदर कोई पिन आने वाली। तो इस तरह से मैंने डायमेंशन इसके अंदर प्रोवाइड कराए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज इंक्रीज हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।